अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बेटा, 10th क्लास, आज का आप लोगों का टॉपिक डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट है। एल्गोरिथम डिज़ाइन करना और फ्लो चार्ट बनाना। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है? सबसे पहले तो बेटा हम एल्गोरिथम की बात करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स डिफाइन कर देते हैं। लाइक अगर चाय बनानी है तो सबसे पहले आप लोगों ने पानी लेना है, उसे गर्म करना है, उसके अंदर चीनी पत्ती डालनी है, उसके अंदर दूध डालना है, फिर उसको उबालना है, जब चाय तैयार हो जाए तो कप में डाल के पी लेनी है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा, इन्हीं स्टेप्स को हम लोग कुकिंग में रेसिपी बोल देते हैं और कंप्यूटर के अंदर हम इन स्टेप्स को एल्गोरिथम का नाम दे देते हैं। तो बेटा सबसे पहले डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट में हम एल्गोरिथम को ही देखते हैं। एल्गोरिथम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेटा, डिजाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। के मसले को हल करने के लिए एल्गोरिथम डिजाइनिंग के लिए मराहिल की एक फहरिस्त दी जाती है, आपको डिफरेंट स्टेप्स की एक लिस्ट या फहरिस्त बना दी जाती है, उसको देखते हुए आप उस काम को कम्प्लीट कर सकते हो। इट इज देन वेरीफाइड दैट वेदर इट सॉल्व अ प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। फिर तस्दीक की जाती है कि एल्गोरिथम मसले को हस्ब मंशा हल करता है या नहीं। मतलब कि जब हम लोग एल्गोरिथम बना लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि क्या हम लोग जो काम इस एल्गोरिथम से करवाने जा रहे थे, तो वो काम हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या वो काम जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ, यानी उसने वैसा वो रिजल्ट दिया यानी जो रिजल्ट हमें चाहिए था। एल्गोरिथम बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उस एल्गोरिथम को चलाने के लिए, उस एल्गोरिथम को बनाने के लिए किस किस डाटा की जरूरत है। उस डाटा को आप गेट करते हैं, फिर आप देखते हैं उसके अंदर किस किस तरह की कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस आपने करवानी है, और फिर आप देखते हैं कि उससे किस तरह का रिजल्ट आएगा और किस तरह से उसे जाहिर करना है। मतलब सबसे पहले आपने इनपुट देखनी है क्या क्या होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग किस तरह की होगी, और फिर आउटपुट क्या आएगी और कैसे आएगी। मतलब कंप्यूटर के तीन फेज बेटा यही होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट क्या लेगा कंप्यूटर, प्रोसेसिंग किस तरह की से करेगा, काम किस तरह से करेगा, और उसके बाद रिजल्ट कैसे देगा। तो एल्गोरिथम के अंदर यही तीन स्टेप्स होते हैं बेटा। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम परफॉर्म एटलीस्ट फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। ज्यादातर कंप्यूटर एल्गोरिथम कम से कम तीन मंदरजा ज़ेल अवामिल करते हैं। पहला क्या होगा, गेट डाटा इनपुट, डाटा हासिल करना जो कि इनपुट फेज है। उसके बाद परफॉर्म कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन करना प्रोसेसिंग फेज, मतलब कैलकुलेशन या जो भी उसके अंदर आप काम करवाना चाह रहे हैं वो काम किस तरह से करेंगे उसके स्टेप्स लिखेंगे, और इसके बाद फिर डिस्प्ले रिजल्ट नतीजे जाहिर करेंगे, आउटपुट शो करेंगे। उसके बाद बेटा डेस्क चेकिंग। अभी मैंने कहा कि जब आपका एल्गोरिथम बन जाता है फिर हम उसको चेक करते हैं। चेक ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर के ऊपर रन किया जाता, उसको पेपर के ऊपर या फिजिकली उसके ऊपर अमल करके देखा जाता है कि क्या वो काम सही करेगा या नहीं करेगा, और केयरफुली देखा जाता है। क्योंकि बेटा एक दफा जब एल्गोरिथम आपका फाइनल हो जाए, फिर आप प्रोग्रामिंग की तरफ, प्रोग्राम लिखने की तरफ, कोड लिखने की तरफ जाते हैं। अगर एल्गोरिथम ठीक होगा तो कोड ठीक होगा, अदरवाइज कोड भी गलत होगा। डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डेटा। डेस्क चेकिंग किसी टेस्ट डाटा की मदद से कागज पर एल्गोरिथम के काम के मोहतात मुशाहिदे का नाम है। तो मतलब एक पेपर के ऊपर आपने उसको टेस्ट करना, ना कि कंप्यूटर के ऊपर। एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन। एल्गोरिथम को मुख्तलिफ कीमतों की शक्ल में इनपुट दिया जाता है और इसके आउटपुट का जायजा लिया जाता है। फ्लो चार्ट बनाना। अब फ्लो चार्ट होता क्या, आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम डिजाइनिंग के बाद अगला मरहला फ्लो चार्ट बनाना है। तो बेटा फ्लो चार्ट होता क्या है, अगर हम एक एल्गोरिथम को पिक्चर्स की मदद से शो कर दें, पिक्चर्स की मदद से, किस तरह से कि मैं एक सिंबल बनाऊं, कि अगर चाय बनाने वाली एग्जाम्पल की बात करें कि बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक केटल लेनी है, उसके बाद क्या करना है, पानी गर्म करना है, तो वो एक स्टेप आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके अंदर चीनी पत्ती डालनी है, फिर उसको गर्म करना है, फिर उसके अंदर दूध एंटर करना है, और उसके बाद जब चाय तैयार हो जाए तो उसको कप्स के अंदर सर्व कर देना है। इस तरह से जब मैं एक पिक्चर्स और सिंबल्स डिफरेंट तरह के इस्तेमाल करके ये पिक्चर बना दूं, इसी पिक्चर को हम लोग फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। फ्लो चार्ट इनफैक्ट मैप्स द एल्गोरिथम टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो कंट्रोल एंड डाटा इन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट दरअसल तस्वीरी शक्ल में एल्गोरिथम की नुमाइंदगी करता है। मतलब फ्लो चार्ट है क्या, है एल्गोरिथम ही, लेकिन किस फॉर्म के अंदर है,
एल्गोरिथम होता है टेक्सचुअल फॉर्म में, तहरीरी शक्ल में होता है, स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, लेकिन फ्लो चार्ट क्या होता है, एक पिक्चर की शक्ल में होता है, जिस एल्गोरिथम के कंट्रोल की सिम्त और डाटा को समझने में मदद मिलती है। तो ये बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक था, बुक से अब इसको देख लेते हैं। एल्गोरिथम की बात करें तो बेटा इसमें से जितना आपको पीछे बताया गया आपने लिखना है सिर्फ उतना ही होता है। अब बुक से देख लें, इसको अंडरलाइन में कर रहा हूँ सबसे पहले कि एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज इन, कल हो गया था सॉरी बेटा, डिजाइनिंग एल्गोरिथम एंड ड्रॉप फ्लो चार्ट आज का टॉपिक था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजाइनिंग एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन में आप लोग कितना लिखेंगे बेटा, ये बेटा 3 लाइनें, और 3 लाइनें करनी कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये लाइन आप लिखेंगे कि मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम परफॉर्म एटलीस्ट 3 फॉलोइंग स्टेप्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद बेटा इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्या आप लोगों ने देखनी है, डस्ट चेकिंग की डेफिनेशन। डस्ट चेकिंग की डेफिनेशन बेटा ये जो आपकी है, ये आपकी डस्ट चेकिंग की डेफिनेशन है। इसके ऊपर ही बेटा प्रोग्राम की डेफिनेशन है जो आपको मैं पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद फ्लो चार्ट है, तो बेटा आफ्टर डिजाइनिंग द, ये आप लोगों ने ये 3 लाइन है, और उसके बाद बेटा यहां तक 3 लाइन है वो वाली, और उसके बाद यहां तक, ये आप लोगों ने बेटा याद करना। अगर गिनेंगे आप लोग तो ये बेटा 10 से 12 लाइनें बनेंगी, और 10 से 12 लाइनें एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए याद करना मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो बेटा इसको अच्छी तरह याद करना है, और जो हेडिंग्स बताई हैं उन हेडिंग्स के हिसाब से आप लोगों ने होमवर्क भी करना, ताकि आप लोगों के नोट्स कंप्लीट होते जाए। अब उर्दू मीडियम वाले अगर देख लें तो बेटा एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, उसके अंदर बेटा आप लोगों ने कितना करना है, ये 2 लाइनें, ये बल्कि आप लोग सबसे पहले तो इसको हाईलाइट करें। सबसे पहले आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन के अंदर इतना लिखेंगे स्टार्ट से लेके, और उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, और उसके अंदर आप ये 3 स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद आप लोगों ने डस्ट चेकिंग की डेफिनेशन अगर देखनी है, तो बेटा डस्ट चेकिंग की डेफिनेशन आपकी बुक में खुद हाईलाइट करके यहाँ पे लिखी हुई है, नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर आपकी डायरी के अंदर मेंशन है। और ये बेटा प्रोग्राम की डेफिनेशन है जो आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद अगर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो बेटा फ्लो चार्ट की डेफिनेशन में आपने ये 2 लाइनें लिखनी है सिर्फ यहाँ तक। तो बेटा इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच बेटा।